अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के पहले व्लॉग में आपका करते हैं वेलकम जी। तमाम दोस्तों भाइयों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे। सब मुझे देखने वाले जो हैं मेरे यूट्यूब चैनल को जो देखने वाले हैं, उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त यकीनन बखैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा यह यूट्यूब पर पहला व्लॉग है मेरी वॉइस में। वैसे तो मैं वीडियो छोटी मोटी डालता रहता था पहले, लेकिन आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ कि व्लॉग किया जाए, छोटा सा व्लॉग बनाया जाए और हर रोज़ व्लॉग बनाया जाए। तो इसीलिए तमाम दोस्तों को मैं अपने चैनल पे वेलकम भी करता हूँ और मैं दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम मुल्की हालात बहुत बहुत ही नासाज चल रहे हैं और इससे ज़्यादा हालात क्या ख़राब हो सकते हैं कि इतनी महंगाई, इतनी बेरोज़गारी, इतने हालात ख़राब हैं कि बस मैं आपको क्या बताऊं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो ये मेरा पहला व्लॉग है, तो थोड़ा बोलने में जो है वो मुश्किल हो रहा है क्योंकि वॉइस ओवर जो करते हैं वो तो बोलते ही रहते हैं व्लॉग में, लेकिन मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो रही है। मैं ये घर से सुबह सुबह निकला था, ऐसे ही मैंने कहा आज बाइक पे वीडियो बनाते हैं रोड बाय रोड। तो ये हमारे गांव से जो शहर खानेवाल को रास्ता जाता है वो ये है, और ये कुछ अर्सा पहले रोड बना था। तो जब नवाज शरीफ दौर में, तो खैर हमारा तल्लुक तो अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह पार्टी से है, पर ये नवाज शरीफ रोड, नवाज शरीफ के हुकूमत में ये रोड बना था। तो पहले ये रोड बहुत ख़राब होता था। ये देखें जी, ये ट्रेन है, ये ट्रेन रुकी हुई थी, तो मैंने कहा इसका भी शूट करते हैं। ये ट्रेन रुकी हुई है अड्डा मीर शाह पे, उससे पीछे ये क्रॉसिंग होगी या कोई मालगाड़ी या कोई मुसाफिर ट्रेन ने गुजरना होगा, इसलिए ये रुकी हुई है। ये बहुत लंबी ट्रेन थी यार, वाकई बहुत लंबी ट्रेन थी। देखो अभी इंजन आया है, तो ये मैं तकरीबन अड्डा मीर शाह पहुँच गया। अड्डा मीर शाह, ओके, खुदा हाफिज़।